सबका क्वेश्चन होता है कि हम कैसे अप्लाई करें, तो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास में 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास में 6 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको पूरी चीजें क्लियरली बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको कैसे फ्रेशर को भी जॉब मिल सकती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम NHS बैंक के बारे में बात करते हैं। तो NHS ट्रस्ट बैंक ये होता है कि ऑल ओवर आपको कवर अप करता है कि जहाँ पे भी आपको मतलब कि बूस्टर रेड एज कहीं भी मतलब कि ऑल ओवर आपको कवर करना होता है। जिनके पास में कार है वो कर सकते हैं, बट ये जो चीज है ये चीज सिर्फ उनके लिए है जिनके पास में एक्सपीरियंस है मोर देन 6 मंथ, ठीक है। तो 6 बैंड 1 बैंड 2 बैंड 4 होते हैं, बैंड 3 बैंड 4, ओके। सो सॉरी बैंड 2 नहीं, सो इसमें बैंड 2 बैंड 4 ये सब काउंट होता है, ठीक है। सो करेंटली जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं विद NHSP उनके पास में होता है बैंड 2, ओके। और जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है मोर देन 6 मंथ तो वो जाते हैं बैंड 4। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अप्लाई करना है, सॉरी अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बैंड 2 से अप्लाई करेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप बैंड 4 से अप्लाई करेंगे। तो मैं ना आपको कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट मतलब कि इसके साथ ही पार्ट अटैच करूं कि कैसे कैसे अप्लाई होता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर मैं बता दूंगी कि कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा मैं इसको लेंथी नहीं करना चाहती हूँ। पहले मैं इस वीडियो के व्यूज देखूंगी कि कितने कितने लोगों को हेल्प मिली है, कमेंट देखूंगी और सब कुछ देखूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से शूट करूंगी जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी कि इसमें कैसे करना है, ठीक है, मतलब कि अप्लाई कैसे कैसे करते जाना, क्योंकि ना मुझे यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे ताकि उनको भी हेल्प।